तो हम लोग ने कल अस्तित्व के बारे चर्चा किया कि अस्तित्व में दो तरह की मूलतः वास्तविकताएं हैं, जड़ और स्थाई और स्पेस, इकाई और स्पेस। तो इकाई के बारे में चर्चा किया कि इकाई सीमित है, क्रिया है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, स्पेस में रहते हुए एनर्जाइज्ड है, परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। शून्य भी एक रियलिटी है जो असीम है, व्यापक है, हर जगह फैली हुई है, इसमें अपनी कोई क्रिया नहीं दिखाई देती, क्रिया शून्य है, नियंत्रण उपलब्ध है, सामने ऊर्जा है, पारदर्शी। इस तरह से इकाई और स्पेस के बारे में भी चर्चा किया। फिर इकाइयां दो तरह की हैं, जड़ इकाई और चैतन्य इकाई। तो अब मिला के देखें तो लगभग तीन तरह की वास्तविकताएं हम लोग देख पा रहे हैं, जड़, चैतन्य और स्पेस। जड़ में पहचानना, निर्वाह करना दिखाई देता है, चैतन्य में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। तो जड़ में हम लोगों ने दो तरह की अवस्थाओं के बारे चर्चा किया, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था को देखें तो उसका सबसे छोटा और व्यवस्थित कण परमाणु से लेते हुए अणु, अणुरचना, ग्रह, गोल, रस। प्राण अवस्था का जो सबसे छोटी इकाई हम लोग व्यवस्थित देख पाते हैं वो प्राण कोशा, फिर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फिर मानव शरीर, पशु पक्षी शरीर। फिर सेल्फ के साथ जब ये एसोसिएट हो रहे हैं तो दो तरह की अवस्थाएं और दिखाई दे रही हैं, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। कल इसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफ डिस्कशन किया था, फिर उससे जुड़ा हुआ एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी आपको असाइनमेंट दिया था कि हम देखें एक्सिस्टेंस को, रिफ्लेक्ट करें अपने भीतर सीधे सीधे। स्पेस भी है, इकाइयां भी हैं, ये दोनों ही वास्तविकताएं इस अस्तित्व में है या नहीं हम इसे देख सके। दो तरह की इकाइयां, जड़ और चैतन्य, दोनों तरह की इकाइयां अस्तित्व में हम देख पा रहे हैं कि नहीं उसको भी देख लें। फिर चार तरह की अवस्थाएं हम देख पा रहे हैं कि नहीं उसको भी देख लें, और चारों तरह की अवस्थाओं का ये आपस का अंतर संबंध हम देख पा रहे हैं कि नहीं उसको भी देख लें। तो उससे जुड़ा हुआ एक असाइनमेंट भी दिया था, तो वो असाइनमेंट पर जो भी आप लोगों ने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है उस पर, या इस स्लाइड पर अगर कोई टर्मिनोलॉजी या कोई डिटेलिंग आपको स्पष्ट है या उस पर फर्दर और डिस्कशन की जरूरत है तो उन सभी प्रश्नों पर हम लोग अब एक एक करके बात करेंगे। तो जिन भी साथी को इस पर अपना ऑब्जर्वेशन रखना है या कोई प्रश्न रखना है तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। बनु भैया, आज जो क्वेश्चन था ना वो कुमार भैया का सेशन में था, लेकिन आप आपको भी हम पूछ सकते हैं। हाँ, नॉट रिगार्डिंग दैट माय वाइफ आई वाज टेलिंग, नॉट दिस इज क्वेश्चन इज दैट, ये जो सेल्फ आता कहाँ से? इसे तो हम लोग बोलते हैं जो एवरीथिंग इज ऑन स्पेस, तो जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ता है तो सेल्फ भी तो बढ़ता है, तो क्वेश्चन इज दिस सेल्फ की पहले से जैसे इसका दैट से अर्थ अर्थ इज देयर देयर इज ए पॉपुलेशन, देन टाइम विल कम दे इट विल बी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो फिर नया युग शुरू होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं जो चार युग है, तो मतलब सेल्फ की बराबर है, और जैसे जैसे युग बदलता है वैसे ऐसे पॉपुलेशन का हिसाब से फिर वो सेल्फ उधर से आता है, फिर एक एक शेप लेता है बॉडी में, वो शेल्टर लेते हैं लाइक दैट, वो एज्यूम द फॉर्म ऑफ बॉडी, लाइक ये बात है जो सेल्फ मतलब ऐसे बढ़ता है एज पर पॉपुलेशन। एक क्वेश्चन था वो, ठीक है ना, सेल्फ लेके कुछ चल रहा था डिस्कशन, तो फिर हम क्वेश्चन किए थे लेकिन हमको उधर और मौका नहीं नहीं मिला, टाइम हो गया था। ये बात है भैया। जी भैया, तो अभी आप देखेंगे तो मटेरियल का एक वर्ड है जिसको हम लोग है ना, मटेरियल जो कह रहे हैं जड़ कह रहे हैं, और एक चैतन्य है जिसको हम लोग सेल्फ कह रहे हैं। तो जड़ में भी देखें भैया, तो जड़ में भी एक बेस में बेसिक एटम है, और एटम मिलकर के
ना अणु बना रहे हैं, अणु मिलकर के अणु रचनाएं बना रही हैं, अणु रचनाएं फिर बड़े होते होते ग्रह गोल बना रहे हैं। लेकिन अगर ग्रह गोल डिस्ट्रॉय भी हो जा रहा है तो सिर्फ ये जो अणु रचना बना हुआ है वो अलग अलग होगा, है ना। एटम है ही, या एटम को भी अगर हम तोड़ रहे हैं तो उसके अंश तो हैं ही, बाद में मिलके फिर से एटम बना ले रहे हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये जो जड़ भी है ना, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है मिलके, मल्टीपल जो हमारे एटम्स हैं उन्होंने मिलके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, पेड़ के रूप में, बॉडी के रूप में, पत्थर के रूप में, वो ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है ना। लेकिन वो जिससे बना है, जो मूल में उसके एटम है, एटम के मूल में जो अंश है, वो तो बने ही रहते हैं, वो भी कहाँ खत्म हो रहे हैं इस एग्जिस्टेंस में, है ना। तो वो इस एग्जिस्टेंस में ही है ना। अलग अलग एटम मिल करके अलग अलग तरह की रचनाएं बन रही हैं, है ना। सेल्फ को देखेंगे तो सेल्फ में है ना, सेल्फ अपने आप में, सेल्फ भी एग्जिस्टेंस में है ही, और जड़ भी अपने आप में एग्जिस्टेंस में है। बस ये है कि जड़ में और कई एटम्स मिलकर के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और फिर वो आगे अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो वो दोनों ही एग्जिस्टेंस में ही, और फिर एक तरह से ह्यूमन बॉडी एक तरह का, जो ये एटम का जो भी स्ट्रक्चर बना, सेल का स्ट्रक्चर बना, एनिमल बॉडी को भी देखेंगे तो एक तरह का स्ट्रक्चर बना, वो सेल्फ के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो ह्यूमन ऑर्डर के रूप में या एनिमल ऑर्डर के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। बट वो ना एक तरह से सेल्फ और बॉडी दोनों डी एसोसिएट हो गए, तो भी सेल्फ एग्जिस्टेंस में है ही, और बॉडी को भी जला दिया या दफना दिया, वो भी मटेरियल था, मटेरियल में वापस मिल गया, तो मटेरियल फॉर्म में, एटम फॉर्म में वो भी बना रहता है। ये दोनों ही एग्जिस्टेंस में ही है, सेल्फ और बॉडी के रूप में एसोसिएट होकर के भी और अलग अलग होकर के भी। लेकिन बात ये भैया, ये सेल मतलब पॉपुलेशन जैसे बात है, तो सेल भी तो बढ़ता है, तो सेल कहीं पर तो था तब बढ़ रहा है, पहले नहीं था, इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतना सेल्फ नहीं था, अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा, सेल्फ बढ़ रहा है। तो और एक क्वेश्चन है, एक सेल्फ की मोर देन वन बॉडी भी ले सकता है? तो एक तरह की बॉडी सेल्फ ने लिया, अब वो बॉडी का जो भी कालखंड था वो पूरा हो गया, दूसरे तरह की बॉडी हुई, तो एक सेल्फ हाँ दूसरी से बॉडी के साथ एसोसिएट होता है, फिर तो हाँ चल ही रहा है ना। हाँ वो तो बाद में हाँ मतलब सेल्फ एक बॉडी तो लिया, वो बॉडी जब और नॉट यूजेबल होता है तो उसको छोड़ के चला जाता है, तो फिर दूसरा वो लेता है। तो ले रहा है, तो वो प्रक्रिया तो नेचुरल ढंग से चल ही रही है। और हाँ जहां तक तो हाँ पॉपुलेशन बढ़ने का जो बात कह रहे हैं, उसको लाइटर नोट पे मैं कहूँ तो बहुत सारे पशुओं की शरीर यात्रा बाधित कर दे रहे हैं हम लोग, तो उसका सेल्फ अच्छा क्या करेगा आधी एक सफल पॉइंट है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी लगता है बहुत है तो इसका दाम है। हम आपको बोले, आपसे तो ज्यादा पहले कम्युनिकेशन नहीं था, तो एक क्वेश्चन आप आपसे वो जो बोले वो हम पूछेंगे आपको बाद में आपको फोन नंबर से। ओके धन्यवाद भैया। ये तो समझ रहा है मोटा मोटा मोटी आप जो बोल रहे हैं, ये जो डिस्कशन चलता ही है तो अच्छा है। ओके थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट, बाय। अच्छा रहिए, सुस्वास्थ्य में रहिए सबको। तो जब हम अस्तित्व को समझने जा रहे हैं तो ये दिखाई देता है कि अस्तित्व में एक शून्य है और शून्य में संपृक्त इकाइयां हैं, और इकाइयां दो तरह की हैं, चैतन्य और जड़। तो इस अर्थ में मुझे दिखता है कि जो हम अपने आप को मानव के रूप में देख रहे हैं, मानव को जितना समझेंगे एक तरीके से यह अस्तित्व का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पूरा अस्तित्व को समझने में बहुत बड़ा एक हेल्प हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य इकाई भी यहाँ पे है, जड़ इकाई भी है शरीर के रूप में, और ये दोनों शून्य के अस्तित्व में बने हुए हैं। तो एक तो यह है कि ये एक बहुत बड़ा
मतलब दिखता है कि मानव को जब हम समझने जाएं अस्तित्व को समझने के अर्थ में, क्योंकि अस्तित्व तो बहुत एक बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इस अर्थ में मानव को जितना जितना समझ पाए, एक बात तो ये। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समझना है और जो सूचना है, इसको भी हम जब ध्यान से देखें तो जैसे क्या सूचना के रूप में हम किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, और समझने के रूप में, तो जो समझना है वो तो यह है कि प्रत्येक इकाई में जो व्यवस्था है, जो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है या सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसको देखना है, तो स्वयं में हम उस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, शरीर में जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देख पा रहे हैं। और इसी समझने के क्रम में या देखने के क्रम में हम ये भी देख पा रहे हैं किस तरीके से दोनों इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड है। तो ये तो हो गया समझने के अर्थ में। सूचना के रूप में भी बहुत सारी चीजें हैं कि शरीर में कितनी हड्डी है, कितना मांस है। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा है काम है हमें अपने आप को जितना जितना देखेंगे उतना उतना, और जितना समझ पाएंगे मानव के रूप में अपने आप को, उतना उतना अस्तित्व का एक रिफ्लेक्शन, एक मतलब है कैसा अस्तित्व, उसको देखने में बहुत सहयोगी होगा। तो इस पर भैया आपका क्या विचार है, कैसे देखते हैं इसको आप? जी भैया, तो ये बात तो ठीक है कि देखने में देखें तो अस्तित्व तो बहुत मैं जो इकाइयाँ हैं वो अनंत दिखाई देती हैं, तो व्यक्ति तो लगता है कि वो तो बहुत बड़ा है। लेकिन उस पर जब ध्यान देते हैं तो हम लोग उसको चार अवस्थाओं में समझ पाते हैं, बांट पाते हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था में भी देखें तो इतने करोड़ लोग हैं तो लगता है कि 750 करोड़ लोग, 800 करोड़ लोग धरती पर है, कितना समझेंगे। तो अगर इस पर भी ध्यान देने जाते हैं तो ये लोगों का रूप है, लोगों के जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है लोगों के, है ना, जो इस तरह का जो एक्सटर्नल वाला है उसमें बहुत सारा विविधता दिखता है। लेकिन ये 750 करोड़ लोगों में कुछ कॉमन है, तो हम सबकी सहज स्वीकृति कॉमन है, हम सबका लक्ष्य कॉमन है। तो एक बार जब उसको समझने जाते हैं तो ये सभी के लिए एक जैसा ही दिखता है। तो अगर हमने अपने लिए समझ लिया तो हर आदमी के लिए कह पाते हैं कि यही उसको भी सहज स्वीकार है, संबंध व्यवस्था अस्तित्व तो मुझे सहज स्वीकार है, तो ये सभी को सहज स्वीकार है। तो एक आदमी के बारे इसको समझ कर, अपने बारे इसको समझ कर, हम हर एक मानव के बारे कह पाते हैं कि उसको भी यही सहज स्वीकार, हमको भूख लगती है, हर एक मानव को भूख लगती है, ये कह पाते हैं। वैसे ही पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था में भी इस तरह से जो उसका वो है स्वभाव है उसको समझ लेते हैं तो हर अवस्था हर इकाई के बारे कह पाते हैं। तो देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन चार अवस्थाओं में बांट रखे हैं, तो एक एक अवस्था के बारे भी अगर हम लोग उसके स्वभाव को, उसके धर्म को, उसके परम धर्म को समझते हैं तो वो बाकी सभी इकाइयों के लिए वैसा ही दिखता है। और ये बात भी ठीक ही लगती है कि अगर मानव को देखे तो मानव में जड़ एक तरह से इकाई और जड़ और चैतन्य दोनों ही दिख रहा है, चैतन्य भी है और जड़ संसार भी है। तो अगर अपने को ही समझते हैं तो ये दोनों संसार को समझा ही जा सकता है, और अपने में ध्यान देते देते शून्य के साथ जो अपना अस्तित्व है उसको भी समझा जा सकता है। तो उस रूप में ये वाली बात भी ठीक ही दिखाई देती है कि अपने पर ही ठीक से ध्यान दिया जाए तो पूरा अस्तित्व भी समझ में आ ही सकता है, पर उसको करके देखते हैं, है ना। हम सब भी उस यात्रा में ही हैं, अभी तो इतना ही कहूंगा भैया मैं उस संदर्भ में। जी भैया बढ़िया। ये जो स्लाइड लगा हुआ है इसके बारे में पूछना था, आप थोड़ा एक उदाहरण देके इसको समझा देंगे, गति कैसे होता है यारो का एवं क्या क्या घटता है अंदर, तो अच्छा रहेगा, समझ पाएंगे कुछ।
धन्यवाद दादा। कौन से एरो को, कौन से एरो को कह रहे हैं? ये जो आरोप दिया हुआ है ना, देखो प्रमाण से आया सोच, तो ऐसे स्लाइड पर है, स्लाइड पर है ये। हाँ नहीं, मतलब अभी तो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का पूरा हम लोगों ने एक तरह से डिस्क्रिप्शन हाँ जी स्लाइड जी में दे रखा है, तो हाँ कौन से जी एरो की बात कर रहे हैं आप? ये जो जो पर्पल में है और नीचे जो पीले वाले में है, ये जो आरो दिया ही है, तो आप तो देख रहे हैं अच्छा अच्छा शायद। अच्छा अच्छा जी अच्छा ये जो सेल्फ का सेल्फ के बारे में, जो चैतन्य के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी 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 तो ये जो डायग्राम है भैया, ये दसों क्रियाओं में अवेकेंड सेल्फ का है, जो दसों क्रियाओं में जागृत है ना। तो अगर जैसे हम अपने आप को देखें, तो अगर हम चित्रण विश्लेषण तुलन आस्वादन चयन इसमें अपने आप को जागृत पाते हैं, तो उसमें ये एरो देख पाते हैं कि हमने जैसा भी चित्रण में इमेजिन किया है अपने सुख के बारे, उसका हम तुलन करते हैं उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं, और जो भी तुलन विश्लेषण किया उसके आधार पर उसमें से जो भी हमारे आस्वादन में बैठा है उसका चयन करते हैं। तो चित्रण से तुलन, तुलन से विश्लेषण, विश्लेषण से आस्वादन, आस्वादन से चयन, ये इस तरह से अपने भीतर देख सकते हैं। ऐसे ही जब दसों क्रियाओं में जागृत होते हैं, अवेकेंड होते हैं, तो ये जो इकाई है, शून्य है, इकाइयां शून्य के अस्तित्व में उर्जित हैं, इसका अनुभव कर पाते हैं। सारी इकाइयां शून्य के अस्तित्व में उर्जित हैं, स्वयं में व्यवस्थित हैं, परस्परता को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। पूरा अस्तित्व शून्य, पूरा अस्तित्व ही सअस्तित्व है, ऐसा अनुभव में आता है। तो हम एक नेचुरल डिसीजन बना के रखते हैं प्रमाण में कि हम भी सअस्तित्व पूर्वक ही जिएंगे। हमारा हर निर्णय सअस्तित्व पूर्वक जीने का ही एक नेचुरल डिसीजन हमारा बना रहता है। तो जो अनुभव हुआ हमको कि पूरा अस्तित्व सअस्तित्व है, वही उस वैसा ही जीने का एक नेचुरल निर्णय हम अपने भीतर देख पाते हैं बना हुआ, उसी को कह रहे हैं प्रमाण। तो अनुभव से प्रमाण है ना। तो एक बार जी जी सअस्तित्व है ना, ये हुआ तो उसके साथ हम पूरे एग्जिस्टेंस में देख पाते हैं कि इकाइयां अनंत हैं, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था के स्वयं में व्यवस्था है ना। और इकाइयां शून्य के अस्तित्व में रहते हुए शून्य के अस्तित्व में उर्जित है और स्वयं में व्यवस्था भी है, तो ये अस्तित्व ही उसके बेस में है। उसके तहत हर इकाई में जो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो या सेल्फ हो, वो एक तरह से व्यवस्था में बना हुआ है ना। और चार अवस्थाओं में हम लोग उनको बांट कर, वो सब भी परस्पर पूरकता पूरक है, एक दूसरे के सहअस्तित्व में है, ये अपने ध्यान में आता है। तो ये दिखता है कि ऊपर की क्रिया ठीक से अपने भीतर, ऊपर अनुभव की क्रिया में जब हमको अस्तित्व सहअस्तित्व है अनुभव में आता है, तो हम उसको बेस में रखकर जब पूरे प्रकृति को देखते हैं, तो पूरी प्रकृति भी एक व्यवस्था के रूप में हमको दिखाई देता है। पूरी प्रकृति में व्यवस्था हमको स्पष्ट होती है, उसको बोध की क्रिया कह रहे हैं। तो ऐसे वो एरो ऊपर से नीचे की तरफ अपने भीतर आता हुआ दिखता है, पर पूरी प्रकृति ही व्यवस्था में है। तो हमारे अंदर, अपने अंदर एक नेचुरल डिसीजन हम बना बना हुआ देख पाते हैं कि अब हम भी सारे निर्णय इस व्यवस्था के अर्थ में ही लेंगे है ना। तो उस बोध से ये संकल्प की क्रिया अपने भीतर देख पाते हैं बना हुआ कि अब इस व्यवस्था के अर्थ में ही सारे निर्णय लेंगे। इसलिए अब हम उस व्यवस्था में हमारी क्या निश्चित भागीदारी है, उसका हम चिंतन शुरू करते हैं। क्या क्या हमारी निश्चित भागीदारी है इस पूरे प्रकृति की इतनी बड़ी व्यवस्था में? तो ये जो ऊपर की दो क्रियाओं में हमको स्पष्ट हुआ, उसके आधार में पर, वो आधार रूप में रहता है, उसके आधार पर हम जो है प्रकृति में अपनी भागीदारी को अपने भीतर देख रहे हैं, तो वो चिंतन की क्रिया है। तो इस तरह से ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ अपने भीतर दसों क्रियाओं में अवेकेंड स्थिति में आते हुए देखते हैं, फिर वही हमारे व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी का आधार बनता है। जी जी हाँ जी, ये तो ऊपर से नीचे आने का रास्ता है, लेकिन नीचे से जब हम जाते हैं, पहले शुरू करते हैं, वो कैसे जाता है? जी भैया। तो हम देखें तो अपने आप को चयन आस्वादन में होता हुआ अपने भीतर देख पाते हैं है ना। तो जब चयन जी आस्वादन कर रहे होते हैं, तो हम संवेदनाओं का भी आस्वादन कर रहे होते हैं चयन करके, भाव का भी आस्वादन कर रहे होते हैं, सूचनाओं का भी आस्वादन कर रहे होते हैं। तो ये चयन आस्वादन अपने भीतर होता हुआ देखते हैं। तो जो भी हमने चयन आस्वादन किया, उसमें दिखता है कि
जो भी हम आस्वादन ले रहे हैं इसमें सिर्फ संवेदनाओं का नहीं ले रहे हैं, उससे अधिक भी कुछ है, भाव है ना, ज्ञान है। तो अब उसका आस्वादन हम करने लगते हैं, साथ साथ ये भी देख पाते हैं कि ये भाव वाला जो आस्वादन है, ज्ञान वाला जो आस्वादन है, संवेदना वाले आस्वादन से ज्यादा हाई क्वालिटी का है। तो अब हम संवेदना, भाव और ज्ञान, इस तीनों के आस्वादन के लिए अपने को ओपन करते हैं, और उसमें भी ज्ञान और भाव के आस्वादन को सूचना के आस्वादन, संवेदना के आस्वादन से अधिक लेना शुरू करते हैं, और अपना जो विश्लेषण तुलन है, जो विचार है, वो संवेदनाओं को पाने के अलावा भाव और जो ज्ञान वाला सोचना है उस पर तुलन विश्लेषण ज्यादा करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये ध्यान में आता है कि सिर्फ प्रिय हित लाभ ही दृष्टि है, ऐसा नहीं, न्याय धर्म सत्य भी कुछ वास्तविकता है। तो हमारे भीतर न्याय धर्म सत्य को समझने की इच्छा बनती है, न्याय धर्म सत्य को समझकर वैसा जीने की इच्छा बनती है ना। तो हम न्याय पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अर्थात मानव के साथ जो हमारी निश्चित भागीदारी है, भाव है, उसको पहचान कर जीना। तो फिर धीरे धीरे चिंतन पर ध्यान जाता है, फिर धीरे धीरे संकल्प बोध पर, व्यवस्था पर ध्यान जाता है, फिर धीरे धीरे प्रामाणिकता और अनुभव पर, अस्तित्व पर ध्यान जाता है। तो जब हम जागृति क्रम में जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर के तरफ जा रहे हैं, और जब दसों क्रियाओं में जागृत हो जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे के तरफ जी रहे हैं। जी भैया, ये क्रम है, ऐसे बार बार चलता रहता है, ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे चलता रहता तो है। बार बार ऐसे ही चल रहा है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन जब जागृत हो जाते हैं तो फिर ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर हम लोग सूचनाएं लेते रहते हैं, लेकिन निर्णय जो होता है वो जो नेचुरल डिसीजन B1 में बना हुआ है वही बेस बनता है B2 को चलने का। जी भाई, ठीक है, मैं देख थोड़ा इसको देखूंगा, देख के बाद फिर आपको पूछूंगा। जी हाँ, धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सेल्फ और बॉडी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस शब्द को, सेल्फ और बॉडी की एक्टिविटी को हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कह सकते हैं, और वो दोनों आपस में एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं और अस्तित्व में बने ही हुए हैं। तो अगर हम बॉडी की एक्टिविटी को अलग करें और सेल्फ की एक्टिविटी को अलग करें, फिर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों सेल्फ और बॉडी को, तो इन दोनों की बॉडी में क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये शब्द सही लग रहा है? और इसमें बॉडी तो सेल्फ के साथ एग्जिस्ट कर रही है या सेल्फ बॉडी के साथ एग्जिस्ट कर रही है, और इस एग्जिस्टेंस में जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो तो ऑटोमेटिक ही है, जैसे नेचर में साइकिलिंग है वैसे ही सेम एज इट इज ये भी अपनी साइकिलिंग में अपना फंक्शन कर रहा है, नेचुरली ये ऐसा ही है, उसका डिजाइनिंग भी ऐसा है। और जब सेल्फ उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, जब सेल्फ इसके साथ एग्जिस्ट करता है तो इसकी एक ड्यूरेशन भी है, तो जब ड्यूरेशन है कि वो बॉडी अब उसके काम की नहीं रही तो वो अब वो उसको छोड़ के अपने स्पेस में मर्ज हो जाएगा। ये सब, ये जो सारी जो वर्ड मैंने बोले हैं ये सही है? इन सबको अब धीरे धीरे हम लोग अपने भीतर रिफ्लेक्ट करेंगे है ना, और इसको देखने की कोशिश करेंगे कि हम जो सेल्फ है वो अभी भी स्पेस में ही है या बॉडी छोड़ने के बाद स्पेस में सबमर्ज्ड होगा, है ना। तो अभी भी देखेंगे तो ये पृथ्वी स्पेस में ही है, ये बॉडी स्पेस में ही है, हमारा आपका सेल्फ भी स्पेस में ही है, और स्पेस में रहते हुए ही ये सेल्फ उर्जित है, अपनी घना अपनी व्यवस्था को बनाए हुए है और शरीर के साथ परस्परता को पहचान कर निर्वाह कर रहा है। ये बॉडी भी स्पेस में रहते हुए इसका एक एक कण कण एनर्जाइज्ड है और एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान कर निर्वाह कर रहा है, और ये बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब सेल्फ और बॉडी एक दूसरे के साथ पहचानना निर्वाह करना कर रहे हैं, तो बॉडी में कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ बाहर के और यूनिट्स के जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो शरीर में कुछ हलचल हो रही है, उसको सेल्फ उसको संवेदना के रूप में रीड कर रहा है, फिर सेल्फ में कुछ डिसीजन बन रहा है जो वो बॉडी से करवाना चाहता है, तो एक इंस्ट्रक्शन देता है ब्रेन को, ब्रेन के माध्यम से बॉडी को, बॉडी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है।
ये तो ठीक है कि बॉडी भी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, एनर्जाइज्ड है और एक व्यवस्था में बनी हुई है सेल्फ भी, और दोनों में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा कि बॉडी से अलग होने के बाद सेल्फ सबमर्ज होगा स्पेस में, दोनों ही सबमर्ज ही हैं स्पेस में। जी ओके okay. जी, सर सर इसमें आपने एक और पॉइंट बताया है, ये परस्परता को पहचानते हैं दोनों, एक दूसरे की बॉडी भी पहचानता है सेल्फ की परस्परता को कि वो उसके साथ एग्जिस्ट करेगा, नहीं जी, वो तो तो सिर्फ सेल्फ ही तो दोनों में जानता है। परस्परता को पहचानना निर्वाह करना है, तभी बॉडी सेल्फ के द्वारा दिए जा रहे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाता है। एग्जीक्यूट कर पाता है। जी, अगर एक सेल्फ ने निर्णय बार बना ही लिया, और प्लीज, ये दोनों वर्ड एक बार ही और रिपीट करेंगे सर। वही तो मैंने कहा कि सेल्फ ने कान पे जो संवेदना आई, दूसरे के द्वारा बोले गए शब्द कान पर आए, उस जी संवेदना को सेल्फ ने रीड किया, तो ये जी सेल्फ ने रीड करके उसको लगा कि भाई ये तो किसी ने गाली दे दी, हमारा अपमान हो गया, तो जी सर अब उसको पलट के जवाब देना है, उसको पलट के तमाचा मारना है। अब ये बहुत सारे विकल्प सेल्फ में अपने आप में जनरेट करता है, उसमें से किसी एक का चयन करता है कि ठीक है इसको तो अब तमाचा मारना ही पड़ेगा। अब ये डिसीजन सेल्फ में हो गया, अब सेल्फ ने तमाचा मारने का इंस्ट्रक्शन ब्रेन के माध्यम से बॉडी को पास किया, तो ये जो बॉडी है वो भी सेल्फ के दिए गए इंस्ट्रक्शन को पहचानता है, निर्वाह करता है, तभी दिए गए इंस्ट्रक्शन को के आधार पर अब वो तमाचा मारता है। नहीं तो है ना, सेल्फ निर्णय लेगा तमाचा मारने का और शरीर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा फिर। जी, तो बॉडी में भी पहचानना निर्वाह करना हो रहा है सेल्फ के साथ, ये और सेल्फ में पहचानना जो या पहचानना निर्वाह निर्वाह करना, करना हो रहा है वो जानने मानने के आधार पर हो रहा है। जी जी कुछ कह रही हैं आप? जानने मानने, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो निर्वाह करता है और पहचानता है तभी वो रिस्पॉन्स करता है और जानने और मानने में उसको क्रिया को करता है, सही है ना सर? जी, तो सेल्फ में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना ये चारों क्रिया होती है, तो सेल्फ का पहचानना निर्वाह करना उसके जानने मानने पर दृष्ट है, लेकिन बॉडी में जानना मानना नहीं है, सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है। तो सेल्फ जैसा इंस्ट्रक्शन देता है वैसा उसको पहचान कर बाहर निर्वाह करता है। जी, धन्यवाद सर। यहाँ पे जो B1 और B2 ब्लॉक को जिस तरह से कनेक्शन में बताया गया है, तो जब भी इस कंटेंट से मैं जुड़ा रहता हूँ और उसके पहले भी बहुत सालों तक अपने अंदर बहुत क्वेश्चन थे तो कभी उसके आंसर नहीं मिले, तो इसको इस UHV के कंटेंट में आने से यहाँ पे जो ज्ञान अवस्था जिस तरह से समझाई गई है, तो मैं यहाँ इस चीज को अनुभव कर रहा हूँ कि B1 और B2 ब्लॉक जो है उसको जिस तरह से यहाँ पे समझाया गया है, मैं अपने रूटीन लाइफ में हर एक दिन अपने में भी सेल्फ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और कभी भी कहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हर एक वक्त मैं चिंतन में रह के अपना डिसीजन बनाता हूँ। और B1 और B2 ब्लॉक जिस तरह से कल से आपने समझाया और आज भी वो पूरा एक सबके बीच में जो कनेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये मेरे को समझ में आ रहा है, मैं इसी हिसाब से जी भी रहा हूँ। और जब भी मैं डिसहार्मोनी स्टेट में होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसी वक्त मैंने संवेदना या किसी मान्यता के आधार पर चयन किया था। तो मेरा प्रश्न अभी यही है कि अगर मैं B1 स्थिति में अगर सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ करना चाहिए, सपोज अगर अभी जो समय चल रहा है वो प्रकृति के लिए बहुत ही गंभीर अवस्था है, तो मुझे प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा जब चीज हमारे दिमाग में आती है, तो क्या वो संवेदना से मैं लीड कर रहा हूँ
या वो मेरे लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया अगर इसको देखेंगे तो दो तरह से अपने भीतर तीन तरह से एक्टिवेट होते हुए आप देख पाएंगे। एक तो बाहर गर्मी बहुत बढ़ रही है और गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उस गर्मी से परेशान होकर हम प्रकृति में कुछ पेड़ लगाने का सोच रहे हैं। तो देखेंगे तो इसका कल्पनाशीलता में जो डिसीजन हो रहा है उसका बेस में तो संवेदना है। बहुत सारे प्रकृति में भागीदारी करने का यहाँ से भी आ सकता है कि इस धरती पर जो ज्यादा पेड़ लगाते हैं उसको ये दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, सम्मान देती है, तो ये मान्यता से भी आ सकता है। तीसरा, अगर हमको ये दिख रहा है कि पूरी प्रकृति में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये सब परस्पर पूरक होके ही व्यवस्था को बनाए हुए हैं और मानव के साथ भी परस्पर पूरकता को निर्वहन कर रहे हैं, और मुझको भी इस परस्पर पूरकता को समझ कर निर्वहन करना है, ये स्पष्टता के साथ ये देख पा रहा हूँ, फिर उस प्रकृति में कुछ भागीदारी करने का सोच रहा हूँ, तो ये ना तो मान्यता से आ रहा है ना संवेदना से आ रहा है, बल्कि ये सहज स्वीकृति से आ रहा है। तो तीनों स्थिति में कहाँ से आपके भीतर वो डिसीजन बन रहा है, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा भैया, कि आप गर्मी के कारण बेचैन होकर डिसीजन बना रहे हैं या लोगों का ध्यान पाने के लिए, मान्यता को पूर्ति के लिए बना रहे हैं, या कुछ समझ में आया है व्यवस्था और उसमें निर्वाण के अर्थ में कुछ बना रहे हैं। जी भैया, क्या लगता है शुक्रिया। तीनों में कैसी हाँ स्थिति? शुक्रिया भैया, आप जो बता रहे वो समझ में आ गया। मेरे को अभी सेल्फ एक्सप्लोरेशन से यही लग रहा है कि गर्मी के कारण जो चीज होती है उससे उससे मेरा नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है काम करने के लिए वो बढ़ता है। और रही मान्यता के बेस पे, तो हम मतलब इतना सारा व्यवस्था को देख के इतना तो पता चल ही चुका है कि इतनी व्यवस्था में भागीदारी होना और होने का जो अनुभव होता है वही सबसे बड़ी चीज है। अगर वो अनुभव होता है तो फिर एक एक तरह से एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है, चलो कि इस कुछ ये प्रकृति की इस भागीदारी में मेरे को कुछ करने का अवसर मिलेगा। तो आपने जो तीन चीजें समझाई, मैं उसके हिसाब से अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आगे भी देखता रहूंगा। लेकिन मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब मुझे मिल गया। शुक्रिया भैया। जी, एक बात और कहूंगा भैया इसमें आपको, कई बार ऐसा लगता है कि प्रकृति में भागीदारी है, हम पेड़ लगाएंगे तो वो एक भागीदारी है, वो तो है ही, लेकिन साथ साथ ये जो हम लोग इस यंग जनरेशन को पढ़ा रहे हैं वो हम सब भी प्रकृति के ही अंश हैं। तो ये दूसरे आदमी का ध्यान पूरे अस्तित्व पे चला जाए, वो भी इस अस्तित्व की तरफ ध्यान दे पाए, परस्पर पूरकता को समझ पाए, मानव के साथ भी परस्पर पूरक होकर जीने की तैयारी कर पाए और शेष प्रकृति के साथ भी इस परस्पर पूरकता का निर्वहन कर पाए, तो ये भी अगर हम बच्चों को ध्यान दिला रहे हैं या ध्यान दुनिया में और लोगों को ध्यान दिलाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये सब भी प्रकृति में ही भागीदारी है ना। आदमी में सदुपयोगिता पर ध्यान चला जाए, बहुत सारा सुविधा संग्रह कर रहा है ना, उस पर ध्यान चला जाए तो बहुत सारा अननेसेसरी जो प्रकृति पर दबाव बन रहा है सुविधा संग्रह के कारण, तेज प्रकृति पर, वो सब धीरे धीरे व्यवस्थित होगा। तो ये जो हम एक बच्चों के साथ समझने समझाने का भी काम कर रहे हैं, तो देखेंगे तो ये सब भी प्रकृति में ही भागीदारी है ना, तो हम अपनी भागीदारी को बहुत और बड़े लेवल पर फैल कर देख सकते हैं। जी भैया, भैया, मेरा प्रश्न ये था कि पशु में भी बॉडी और सेल्फ है और मानव में भी बॉडी और सेल्फ है। जी अभी इसमें हम लोग मानव में बोलते हैं कि नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, दैट एक्टिविटी इज देयर। बट इन एनिमल्स देयर इज ओनली एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, सो देर इज नो नोइंग। तो ये हम किस बेसिस पे बोलते हैं, मीन्स? जी तो अभी जैसे देखेंगे ना, तो हम लोग अपने आप को देखें तो हम लोग है ना पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस को समझना चाहते हैं,
हम लोग घंटों बैठकर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, है ना, महीनों सालों उसको समझने के लिए लगा सकते हैं, है ना। इसको हम हर मानव के लिए देख पा रहे हैं कि 20 साल वो अपने को इस एंटायर एग्जिस्टेंस को समझने के लिए लगा रहा है। उस रूप में देखते हैं तो सैकड़ों प्रश्न हम आप एक दूसरे से पूछते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तो उसमें ये नोइंग की जो वो है, वो एक्टिविटी, वो बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। एनिमल के सेल्फ में भी देखें तो जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भी उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेल्फ में नोइंग का पोटेंशियल तो है, बट उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, या अभी नोइंग उतना अवेकन नहीं है, बट पोटेंशियल तो है, सेल्फ तो वही है जो ह्यूमन के सेल्फ में है बॉडी, है ना। तो सेल्फ में पॉसिबिलिटी तो नोइंग की उसमें भी है, बट जो भी जिस तरह का भी बॉडी स्ट्रक्चर है उससे वो बहुत एक्सप्रेस नहीं होता, है ना, या वो बहुत अवेकेंट नहीं है अभी नोइंग के प्रति। जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को भी देखेंगे तो सेल्फ तो है बट वो अज्यूमिंग के तक ज्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत सारा नोइंग के प्रति अभी उतना ध्यान नहीं जाता, बट वो उसके सेल्फ में तो है। जी जी यानी मींस पोटेंशियल है इस एनिमल के सेल्फ में, और जिनमें पोटेंशियल है और जिनका डेवलप होने के स्टेज में है वो मानव के सेल्फ में आ सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मींस अगर वो सेल्फ डेवलप हुआ एनिमल का तो ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा विश्लेषण तर्क के माध्यम से ऐसा देख सकते हैं, है ना। ऐसा मतलब एक तरह से उसको किया जा, मतलब एक तरह से उसका विश्लेषण करके ऐसा संभावना तो दिखता है, ऐसा यही कहूंगा मैं अभी तो भैया। ओके भाई, ओके भाई, थैंक यू थैंक यू। मैं एक छोटी सी बात रखने की भी बात रखूंगा कि मैं 1.5 साल पहले क्वेश्चन किया था और उस पे मेरे को हमारे निकटतम लोगों का रिस्पॉन्ड आया कि यार क्या क्वेश्चन करते हो यार इतने सालों से जुड़ने के बाद, तो मैं एकदम उसमें चला गया। पर कल मैं पढ़ पा रहा था कि आइंस्टाइन लिख रहे थे कि मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना ली ठीक है, पर यदि मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो ये मेरी इनेबल मैंने अयोग्यता नहीं है, ये कोई मेरी मूर्खता नहीं है। तो मैं आज फिर मैं आप इंगित हुआ आपको बात करने के लिए कि मैं आप बात रखूंगा। तो मैं ये कह रहा था छोटी सी बात कि आपने बोला बॉडी का जानना मानना होता रहता है, जबकि तमाचा मानने का आपने बोला है बॉडी रिस्पॉन्ड करे या ना करे बॉडी की एबिलिटी पर डिपेंड करते, यदि हमारा हाथ टूटा है तो हाथ तमाचा नहीं मार पाएगी, तो बॉडी जानना मानना किसका धर्म निर्धारण करेगी जबकि सेल्फ का है ये पार्ट, प्लीज। बॉडी में भैया पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, शरीर कैसे में चल रहा है? सेल्फ में देखेंगे तो जानना मानना और पहचानना निर्वाह करना, ये चारों है। बॉडी में सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है, तो बॉडी को किसी ने तमाचा मार दिया तो उसको उसने पहचाना, शरीर पे जो है कुछ हलचल हुई, कुछ है ना संवेदना हुई, और उसने जो भी था ना वो एक तरह से उसको सेल्फ ने रीड किया। आप ये तमाचा प्यार से मारा गया था या विरोध के भाव से मारा गया था, हमारे को अपमान करने के लिए मारा गया था, ये बॉडी के जानने मानने में नहीं आता। ये तो सेल्फ ही उसको जानता मानता है कि दोस्ती में किसी ने ऐसे ही तमाचा मारा मुझे, प्यार दोस्ती में जब व्यक्त करते रहे तो ऐसे ही हम उठा देते हैं ना, या हमको है ना हमारा अपमान करने के लिए हमारे को विरोध से मारा। ये जानने का काम तो जानने मानने का काम सेल्फ में हो, बॉडी तो सिर्फ पहचानना निर्वाह करना कर रहा है ना। अब सेल्फ ने निर्णय ले लिया कि पलट के उसको तमाचा मारो और बॉडी फिर उसको मारता है, तो बॉडी में जानना मानना नहीं है भैया, बॉडी में पहचानना निर्वाह करना है, जानना मानना तो सेल्फ। तो अगर आपका ये बात था या आप कुछ और कहना चाहते थे वहां बॉडी के लिए जानना मानना शब्द आप उस तरह से प्रयोग कर गए, आपको ध्यान में नहीं था, प्रश्न कुछ और था, तो एक बार अपने प्रश्न को फिर से रखें भैया। मैं सिर्फ इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, बार बार हटा नहीं पाता हूँ अपने आप को। मैं बॉडी को ले लेता हूँ हार्डवेयर और सेल्फ को ले लेता हूँ सॉफ्टवेयर, मैं यहाँ से अलग नहीं कर पाता हूँ कई बार, प्लीज। हाँ, तो इसमें प्रश्न क्या बन रहा है भैया? मैं ये बोल रहा था कि बॉडी का तो कुछ होता ही नहीं, बॉडी को तो आपने जो बॉडी ने फील किया तो फील भी पंच इंद्रियों से किया गया, तो वो भी सॉफ्टवेयर ही है, वो भी उसका सेल्फ ही है, वो उसका बॉडी का तो ऊपर आया नहीं आया, वो तो उसने कमांड दिया है तो बॉडी ने रिस्पॉन्ड कर दिया।
कमांड नहीं दिया तो उसने सेंसेशन नहीं आया तो सेल्फ तक नहीं पहुंचा। वो सेंसेशन का एक ट्रांसपोर्टिंग पार्ट है मेरे ख्याल से। वो मेरा ऐसा मान रहा है, बॉडी तो एक कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा मान रहा था कि जानना पहचानना भी नहीं, सारा काम सिर्फ सेल्फ का है। जैसे डीजल तो हमारे इंजन। जी प्लीज। जी, हाँ आप बात पूरी कर लीजिए। बस मैं उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रूप में जोड़ पा रहा था उसके लिए बस। वही, कंप्यूटर को तो कंप्यूटर की तरह समझ लें, आदमी को आदमी की तरह समझ लें तो ज्यादा ठीक समझ पाएंगे, क्योंकि पूरे कंप्यूटर को देखेंगे तो वो पहचानना निर्वाह करने पे ही चल रहा है ना। पूरा कंप्यूटर में पहचानना निर्वाह करना ही है, उसमें जानना मानना नहीं। मटेरियल है वो, और वो पंखे और बिजली में जो पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, उसी तरह का पहचानना निर्वाह करना पूरे कंप्यूटर में चल रहा है। सॉफ्टवेयर भी एक तरह का पहचानना निर्वाह करना ही है, कि बस पहचानने निर्वाह करने को हम डिफाइन, टैक्स होगा तो ऐसे निर्वाह करना, केस वाई होगा तो वैसे निर्वाह करना, है ना। उसके पीछे के जी भाव को, बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे के समझ को, उसके पीछे की मान्यता को देख पाने का अभी कंप्यूटर में दम नहीं है, क्योंकि जानने मानने नहीं की क्रिया नहीं है। आदमी में जानने जी मानने उसकी। की क्रिया है। तो एक कंप्यूटर के, है ना, में क्या प्रोग्राम चल रहा है, किस आशय से बनाया गया है, एक आदमी उसको जान सकता है, मान सकता है। कंप्यूटर तो उतना ही केस एग्जीक्यूट कर पाएगा जितना उसके प्रोग्राम में उसके निर्वाह का कंडीशनिंग की गई। तो कंप्यूटर जी को भैया समझ के आदमी को समझने100%। का जो प्रयास कर रहे हैं वो अधूरा है, क्योंकि वो पूरा प्रयास ही पहचानने निर्वाह करने पर है कंप्यूटर का। जी, जी भैया आप जैसे और आप अपने लिमिटेशन भीतर है। रिफ्लेक्ट करिए, हाँ अपने भीतर आप बिल्कुल रिफ्लेक्ट बिल्कुल करिए तो आप देखेंगे कि सेल्फ में पहचानना निर्वाह करना भी चल रहा है, जानना मानना भी चल रहा है। तो कब जानना हो रहा है, कब मानना हो रहा है, कब पहचानना हो रहा है, कब निर्वाह करना हो रहा है, ये चारों को जब ठीक ठीक देख पाएंगे तो कंप्यूटर में पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, बॉडी में पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, उसको भी ठीक ठीक देख पाएंगे। और ये जो आपने एडिशनल एक्टिविटी जानने मानने की हो रही है सेल्फ, वो उन दोनों में नहीं है, वो साफ साफ दिख पाएगा। तो अपने भीतर इस जी चारों भैया को होते हुए देखने का प्रयास करें कि कब जानना हो रहा है, कब मानना हो रहा है, कब पहचानना निर्वाह करना आपके सेल्फ में हो रहा है। आप कर क्वेश्चन आओ। जी तो जैसे भैया आप थैंक यू इसको भैया। देखेंगे, है ना। जी जी बिल्कुल थैंक यू थैंक यू। भैया अभी जो आप बता रहे थे ना पेड़ लगाने की बात, भैया के साथ कह रहे थे भी शायद स्वीकृति स्वीकृति है या मतलब एक मान्यता है, तो उसी से मेरा ये प्रश्न बना था। मैं अभी खेत में काम कर रहा था, तो ये पेड़ लगाना मतलब हमारी सभी की सहज स्वीकृति क्यों नहीं होती है? तो ये तो सभी को पता ही है, हमारे फायदा भी करते हैं। जी जी भैया यही जी प्रश्न था। भैया, तो इसको तो हम सबको अपने भीतर जांचना ही चाहिए कि हम देख लें पेड़ के साथ परस्पर पूरकता है, पूरी प्रकृति से, इस प्रकृति के साथ हम परस्पर पूरक होकर जीना सहज स्वीकार है या नहीं है, हमको उसको जांच लें। और अगर सहज स्वीकार है तो उसको निर्वाह करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो तीन काम कर सकते हैं। एक तो आप जो कह रहे हैं कि पेड़ लगा सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं कि जो पेड़ लगे हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं, तीसरा हम घर में पेड़ की लकड़ियों से बने हुए जो वस्तु प्रयोग कर रहे हैं उनका सदुपयोग कर सकते हैं। उनका सदुपयोग करेंगे तो पेड़ कम कटेंगे। तो ये जी तीनों काम कर सकते हैं। तो अगर प्रकृति के साथ निर्वाह करना है तो सिर्फ पेड़ लगा लेना ही इनफ है या तीनों करना पड़ेगा? ये करना तो तीनों पड़ेगा, अकेले पेड़ से तो नहीं। ज्यादा प्राथमिक काम कौन सा है? ज्यादा प्राथमिक काम तो ये समझ का है कि हमें ये इस लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं का अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो कितना भी आप हम पेड़ लगा लेंगे, दूसरे आके उसको काटते ही चले जाएंगे। तो काटने की गति हमेशा लगाने से तेज बनी रहेगी। जी भैया ज्यादा प्राथमिक काम तो लकड़ी से बने हुए वस्तुओं का सदुपयोग करने की तरफ अगर हम सबका ध्यान चला जाए तो काटने की गति लगाने की गति से कम हो पाएगी, है ना। तो फिर जाकर के ये समस्या निपटेगी, नहीं तो खाली पेड़ एक तरफ से कुछ लोग लगाते जाएंगे, दूसरे तरफ से कुछ काटते जाएंगे। जी भैया, भैया ठीक है भैया बढ़िया भैया धन्यवाद। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले जो शरीर की क्रियाओं की बात चल रही थी, जानना पहचानना,
पहचानना और निर्वाह करना, सॉरी। तो जैसे हम कभी गर्म स्थान पर जाते हैं और स्वतः ही पसीना आना शुरू हो जाता है, तो क्या इसको भी हम पहचानना निर्वाह करना कहते हैं या इसमें भी सेल्फ कहीं आ जाता है? पहचानना निर्वाह करना तो है भैया उसमें, फिर जी उस पहचानने निर्वाह करना भी है, और फिर एक पॉइंट पर आप निर्णय बनाते हैं कि हमको इसी टेम्परेचर में बने रहना है या पेड़ की छाया में चले जाना है ना? जी, जी, तो ये आपके जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह करना आप कर रहे हैं, है ना? या कोई आदमी को देखेंगे तो वो उस गर्मी से परेशान होकर ठंडा पानी पीने लगता है, कोई आदमी कहता है कि तुरंत ठंडा पानी नहीं पियेंगे, पहले छाए में थोड़ी देर बैठेंगे, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल होने देंगे, फिर ठंडा पानी पियेंगे, है ना? जी, तो ये ठंडा पानी अभी पीना है, थोड़ी देर बाद पीना है, ये आपके जानने मानने के आधार पर पहचानना निर्वाह करना पानी के साथ कैसे करना है ये आप निर्णय ले रहे हैं। लेकिन शरीर का देखेंगे तो शरीर तो उस टेम्परेचर में पहचानना निर्वाह करना करके हो रहा है, उससे पसीना आ रहा है, या आप तुरंत ठंडा पानी पी ले रहे हैं तो कुछ शरीर में और तरह का पहचानना निर्वाह करने की स्थिति बन जा रही है, शरीर बीमार हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो वो तो पहचानना निर्वाह करने वाला भाग है, है ना? जी, तो इस एग्जाम्पल में हम दोनों की क्रियाओं को अलग अलग देख सकते हैं। जब हम गर्म स्थान पे गए, हमें पसीना आया, ये तो शरीर की क्रिया हो गई, एकदम अलग हो गई, शरीर की क्रिया अलग अलग दिखाई पड़ रही है कि उसने पहचाना और निर्वाह किया। टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी को कूल करने के लिए पसीना आ गया, ये तो स्वतः ही हो गया, पहचानना और निर्वाह करना शरीर का। अब उसके बाद में हमारा जो सेल्फ है वो उस स्थिति से निपटने के लिए या उस विकट परिस्थिति से दूर करने के लिए हमारे शरीर को क्या इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर हम क्या करते हैं, वो फिर उसमें पहचानना और निर्वाह करना वाली बात आ जाती है। सर वो सर ये पहचानना सही निर्वाह है तो करना, हाँ वो पहचानना निर्वाह करना अब सेल्फ का है, कि सेल्फ शरीर को सेल्फ पेड़ का की है। छाया में ले जाता है, एसी में ले जाता है, या उसी धूप जी में जी दौड़ाता रहता है, या ठंडा जी पानी जी पिलाता है कि नहीं पिलाता है, ये पहचानना निर्वाह करना सेल्फ का है, और जी सेल्फ सर का ये पहचानना निर्वाह करना उसके जानने मानने के आधार पर होता है। जी जी बॉडी का जी पहचानना यदि निर्वाह मैं, करना है ना, हाँ सही है, यदि मैं जानता हूँ कि पेड़ के नीचे मुझे आराम मिलेगा तभी मैं वहां पे जाऊंगा तो ठीक है। मतलब इस एग्जाम्पल को हम ऐसे ले सकते हैं कि इन दोनों की क्रियाएं, शरीर की और सेल्फ की दोनों की क्रियाएं एक ही एग्जाम्पल से हम थ्योरेटिकली ला सकते हैं। जी 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 सर जी धन्यवाद। तो एक बार जब हमारा ध्यान इस पर जाता है कि अस्तित्व सा अस्तित्व है, अस्तित्व में चार तरह की इकाइयां हैं, चारों इकाई तरह की इकाइयों में परस्पर पूरकता है, ये परस्पर पूरकता भी अस्तित्व का ही रिफ्लेक्शन है, पर अस्तित्व की हर इकाई शून्य के अस्तित्व में रहते हुए ऊर्जित है, स्वयं में व्यवस्थित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, तरह से ये पूरा अस्तित्व सजा हुआ है, उसमें जड़ इकाइयां भी है, चैतन्य इकाइयां भी है, चैतन्य इकाइयों में जानने मानने के साथ पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, ये जानना मानना प्रमुख काम है इस चैतन्य में। तो हम जड़ इकाइयों के बारे में जानने मानने को देखते हैं, चैतन्य के बारे में भी, तो अपने को जानने का काम शुरू करते हैं, तो जब अपने को जानने का काम शुरू करते हैं तो अपने पर ध्यान देते हैं तो ये अपनी कल्पनाशीलता को देख पाते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि इस कल्पनाशीलता में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, ध्यान देते हैं तो पता चलता है उसमें से कुछ चीजें हमको सहज स्वीकार है, कुछ सहज स्वीकार नहीं है, तो क्या क्या सहज स्वीकार है, संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में जो भी है वो हमको सहज स्वीकार है, विरोध अव्यवस्था और संघर्ष के अर्थ में जो भी है वो सहज स्वीकार नहीं है, मान्यता या संवेदना बस हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या क्या सहज स्वीकार है उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे B2 ब्लॉक से B1 ब्लॉक की तरफ हम एक्टिवेट हो पाते हैं, B1 ब्लॉक की तरफ गति कर पाते हैं, तो हमारे चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है ना? खाली संवेदना पर जो ब्लॉक चल रहा है B2 ब्लॉक, उसमें अगर चल रहा है तो वो जीव चेतना जैसा ही स्थिति बनी रहती है, उससे अधिक कुछ है निश्चितता स्थिरता वाला भाग हमारे भीतर, उसको जब देखना शुरू करते हैं तो हम एक तरह से मानव चेतना की तरफ ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, हमारा संक्रमण हो पाता है। अगर सिर्फ B2 ब्लॉक से ही काम चलाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो जिस तरह की मान्यताएं हमने बना ली है वो हमारे जीने का बेस बनता रहता है, संवेदना केंद्रित सुविधा केंद्रित जीने का बेस बनता रहता है, उसके कारण
हम अपने आप में भी डिसहारमनी में रहते हैं, परिवार में भी डिसहारमनी बनी रहती है और समाज में भी कई तरह की डिसहारमनी दिखाई देती है जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सिर्फ V2 ब्लॉक अगर हमारे एक्टिवेशन का एरिया है तो बहुत सारा समाज में इस तरह की स्थिति दिखाई देती है जो अमानवीय समाज के रूप में हम देखते हैं। भय है, एक्सप्लॉयटेशन है, डिप्रिवेशन है, डिसहारमनी है, कंट्राडिक्शन है, ये सब समाज में दिखाई देती है और अपने भीतर एक डिसहारमनी, अंतर्द्वंद और एक्साइटमेंट की स्थिति दिखाई देती है। धीरे धीरे जब हम मानव चेतना में ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, दसों क्रियाओं पर ध्यान दे पाते हैं, V1 और V2 ब्लॉक दोनों पर ध्यान दे पाते हैं और धीरे धीरे V2 ब्लॉक के साथ साथ V1 ब्लॉक से भी एक्टिवेट हो पाते हैं और V1 से V2 अलाइन हो पाता है और उस पर आधारित व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं, तो धीरे धीरे अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की तरफ हम गति कर पाते। उससे समाज में एक आसपास अगर बहुत सारे लोग उस ढंग से अगर अपने पे काम करना शुरू करते हैं, अपने चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, तो मिलजुल कर जो समाज आपस में बनता हुआ दिखाई देता है वो मानवीय समाज होता है जिसमें हर व्यक्ति अपने स्वभाव को समझ कर अपनी व्यवस्था को बनाकर परिवार में और समाज में, प्रकृति में व्यवस्था पूर्वक जी रहा है और अपने में सुख, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और शेष प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का निर्वहन करता हुआ जी रहा है। तो धीरे धीरे चेतना का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ हम देख पाते हैं और समाज का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ देख पाते हैं। मानवीय समाज से मानवीय समाज की तरफ, जीव चेतना से मानव चेतना की तरफ, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम देख पाते हैं। इस दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के मूल में तो शिक्षा संस्कार है। अगर शिक्षा संस्कार सिर्फ संवेदना केंद्रित, सुविधा केंद्रित चीजों के बारे फोकस रहेगी तो चेतना भी उतने के ही आसपास रहेगी और समाज भी उतने के ही इर्द गिर्द चलता हुआ दिखाई देगा जिसको हम लोग जीव चेतना और अमानवीय समाज कहें। शिक्षा अगर संवेदना से है ना, संवेदना और सुविधा से ऊपर उठकर चेतना के बारे में भी, सह स्वीकृति के बारे में भी, संबंध के बारे में भी, व्यवस्था के बारे में भी और अस्तित्व के बारे में भी फोकस रहेगा, संपूर्णता पर फोकस रहेगा, तो शिक्षा में जो संपूर्णता हमको समझ में आएगी उससे जीव चेतना से, उससे चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन भी हम कर पाएंगे। और जब बहुत सारे लोग अपने चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन पे काम शुरू करेंगे तो समाज में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे। तो ये सारी संभावनाएं हैं जो कि शिक्षा के माध्यम से हो सकता। इसमें एक एक व्यक्ति को अपने चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो काम करना ही पड़ेगा लेकिन साथ साथ दूसरे का भी ध्यान दिला पाना बहुत जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से कि स्वभाव सुख है, प्रभाव से सुख की निरंतरता नहीं हो सकती है, एक्साइटमेंट हो सकता है या फिर हम उससे कंट्राडिक्शन में जा सकते, उससे हार्मनी या हार्मनी की निरंतरता नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में आता है और धीरे धीरे हम में से हर एक व्यक्ति चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्टिवेट हो पाता है और फिर धीरे धीरे समाज में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इतनी बात आप सबके ध्यान में लाना था जिससे कि चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो अपने पर ध्यान देना है, सेल्फ पर ध्यान देना है, अपने कल्पनाशीलता के ब्लॉक पर ध्यान देना है, सह स्वीकृति पर ध्यान देना है, V1 ब्लॉक पर ध्यान देना है और जो V1 ब्लॉक में चल रहा है उसके आधार पर V2 ब्लॉक को व्यवस्थित करना है, ये भी हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण काम है। इसको हम देख पाए हमारे निरंतर सुखी होने की दिशा में। एक बार ये दिखता है तो अब हम इसके लिए जो भी समझने का काम है, जो भी आवश्यक अभ्यास है, वो सब करने के लिए तत्पर होते हैं और उसके तरफ गति करते हैं। तो आगे कल से हम लोग एक बार इस बात की चर्चा को पूरी करने के बाद, इस पर अगर कोई प्रश्न होगा तो उसको करने के बाद, हम लोग ये जो सेल्फ को ध्यान देना है, सेल्फ के कल्पनाशीलता वाले ब्लॉक पर ध्यान देना है, V2 पर, V1 पर ध्यान देना है, तो सेल्फ को ध्यान देकर समझने का काम, उसके अभ्यास करने का काम कल से हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दीदी सेल्फ रिफ्लेक्शन का ही है जी, तो कल इस पर अगर कोई आप लोगों का सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा तो ले लेंगे, अन्यथा कल से हम लोग
आगे जो सेल्फ को सेल्फ से देखकर जो अभ्यास करना है उसको शुरू करें।